Assalamu alaikum class. Class first year, chapter number 1, lecture number 3, level of organization, which is hum pehle pad chuke hain. Now, next jo hai wo hai organ system, organ level tak hum pad chuke the. Next hai organ system level. Different organs having related function combined to form organ system. Mukhtalif kisam ke organ jinka function jo hai wo ek dusre se milta julta hai, wo milkar kya banate hain? Organ system banate hain. Organ system. Example, digestive system, tongue, esophagus, stomach, small intestine, large intestine. ये क्या है आपका digestive system है. Respiratory system, nasal cavity, pharynx, larynx, trachea and lungs. ये क्या है आपका respiratory system है और circulatory system. फेफड़ों तक oxygenation के बाद हार्ट तक और हार्ट जो है पूरे बॉडी तक ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है. आपका है सर्कुलेटरी सिस्टम. ऑर्गन सिस्टम लेवल जो है वो प्लांट्स में लेस डिफाइंड है. हाँ, ऑर्गन तो है प्लांट में. फोर टाइप के ऑर्गन है. लीफ विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस एंड स्टेम विच सपोर्ट द प्लांट एंड ऑल्सो कंडक्ट दे हैव कंडक्टिंग टिश्यू फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड वाटर एंड रूट्स विच हैव स्पेसिफिक फंक्शन लाइक दे एब्सॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल दे ऑल्सो एब्सॉर्ब मिनरल्स दे एंकर द प्लांट्स एंड दे ऑल्सो प्रोवाइड कंडक्टिंग टिश्यू एंड फ्लावर विच इज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विच हेल्प इन रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स. दीज आर फोर ऑर्गन्स हैविंग स्पेसिफिक फंक्शन बट दे हैव नो सच ऑर्गन सिस्टम लाइक ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बींग्स हैव digestive system, circulatory system and circulatory system also immune system, lymphatic system and different type of system. Now these different type of organ system having related function combined to form individual and individual different organ system work in coordination. Mukhtalif kisam ke system hai wo coordination mein kaam karte hain. Jaisa ki जब इंसान जो है वो एंगेज होता है, कोई कंटिन्यूसली वो वर्क कर रहा होता है, कोई हार्ड फिजिकल एक्टिविटी कर रहा होता है, कोई भाग रहा होता है, तो उस वक्त क्या होता है कि न सिर्फ इंसान के जो है वो मसल काम करते हैं बल्कि साथ साथ क्या होता है कि दिल की धड़कन जो है वो भी तेज हो जाती है और साथ में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो आपको भी आपका ब्रीथिंग का जो रेट है वो भी क्या हो जाता है, तेज हो जाता है. उसकी रीजन क्या होती है कि जब आपके मसल्स काम कर रहे थे उसका मतलब आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए. ज्यादा एनर्जी चाहिए मतलब कि आपको ग्लूकोज को ब्रेक डाउन के लिए ज्यादा क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए. तो ऑक्सीजन जो है वो किसने ट्रांसपोर्ट करना है, वो ट्रांसपोर्ट करना है हार्ट ने. सो जब आप हार्ट फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो तो दिल की धड़कन जो है वो तेज हो जाती है, दिल ज्यादा पंप एम कर रहा होता है ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को बॉडी पार्ट्स तक प्रोवाइड कर सके. इसके अलावा ऑक्सीजन आएगी कहाँ से, दिल जो है वो ब्लड में ऑक्सीजन जो है वो कहाँ से आएगा, वो आएगा ब्रीथिंग से. सांस लेंगे एटमोसफेयर से, एयर को जिसम के अंदर लेके जाएंगे जिससे ऑक्सीजन आएगा. सो ब्रीथिंग रेट, हार्ट बीट एंड ऑल्सो मसल they work in coordination. Next level in level of organization is population. Same type of organism live in the same habitat is called population. अगर एक ही जैसे species जो हैं, एक ही जैसे जानदार जो हैं, वो एक जगह पे रहते हैं, एक ही माहौल में, तो उसे क्या कहते हैं, population कहते हैं. Example उन्होंने दिए कि एक biology की class हो रही है, तो ये तमाम क्या हैं, एक ही species, एक ही जैसे organism हैं. इसके अलावा rate जो है ये क्या है, उन्होंने एग्जांपल दी है कि राइस फील्ड और उसमें बहुत सारे क्या हैं, रेड चूहे हैं, तो ये भी क्या है, एक पॉपुलेशन है. स्पीशीज आप जानते हैं, पढ़ चुके हैं, स्पीशीज क्या है, एक तरह के जानदार जो कि आपस में इंटर ब्रीडिंग करते हैं और एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करे, और अगर फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस ना कर सके तो वो एक स्पीशी नहीं है. ये तमाम क्या है, एक ही स्पीशी है और एक खास वक्त में मौजूद है, तो ये क्या है, पॉपुलेशन. नेक्स्ट लेवल इज कम्युनिटी. डिफरेंट पॉपुलेशन, मुख्तलिफ किस्म की पॉपुलेशन हो गया मतलब कि मुख्तलिफ किस्म की स्पीशीज हैं, लिविंग एट द सेम हैबिटेट, एक खास किस्म के माहौल में रह रही हैं, दे आर कॉल्ड कम्युनिटी. इट इज डायनेमिक कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म. जो कम्युनिटी है उसमें वेरिएशन आती है. डायनेमिक का मतलब होता है कोई चीज मूव कर रही है, कि इसमें कम्युनिटी में ऐसा होता है कि एक जानदार जो है, एक किस्म के जानदार, वो पास अवकात उनकी जो तादाद है वो डिक्रीज होती है और दूसरी तरफ जो ऑर्गेनिज्म है उनकी तादाद क्या होती है, इंक्रीज होती है. सो इट्स अ डायनेमिक कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म. डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरेक्शन फाउंड इन फाउंड बिटवीन ऑर्गेनिज्म. कम्युनिटी में जो होते हैं मुख्तलिफ किस्म के जो जानदार, मुख्तलिफ किस्म की स्पीशीज जो होती है, उनका आपस में क्या होता है, इंट्रैक्शन होता है. और इंट्रैक्शन की कुछ मिसालें आप 10th क्लास में पहले पढ़ चुके हैं. म्यूचुअलिज्म,
a type of relationship in which both organism are benefited. आपने एग्जांपल पढ़ी थी टर्माइट और टर्माइट के, इंटेस्टाइन में आपने प्रोटोजोआ की एग्जांपल पढ़ी थी, वो दोनों एक दूसरे को क्या पहुंचाते हैं, फायदा पहुंचाते हैं. कॉमन सेलिज्म जिसमें जो दोनों हैं उसको एक दूसरे से, एक को जो है वो फायदा होता है दूसरे को ना तो फायदा होता है ना नुकसान. आपने एग्जाम्पल पढ़ी थी कि बड़ी मछली जब वो तैर रही होती है समंदर में तो एक सकल छोटी सी मछली होती है वो उसके साथ क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है और वो बस मूवमेंट में हेल्प करता है. बड़ी मछली को ना तो फायदा होता है ना नुकसान होता है. प्रेडेशन इज अ प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप, एक जो है वो दूसरे जानवर का शिकार करता है, पहले उसको किल करता है फिर उसको खाता है. और कंपिटिटर दो चीजों के दरमियान कंपिटिशन होता है. एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि दो पौधे एक ही जगह के ऊपर लगे हुए हैं तो दोनों को क्या चाहिए, वाटर चाहिए. अब उनके रूट्स में क्या होता है, कंपटीशन होता है. एक रूट ज्यादा से ज्यादा सेल की डिवीजन करता है ताकि वो आगे जाए, दूसरा रूट क्या करता है वो आगे जाने की कोशिश करता है. ये मिनरल्स और वाटर को हासिल करने के लिए दोनों जो रूट्स उनमें रेस लगी होती है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा वाटर और मिनरल को हासिल कर सके. कम्युनिटी की एग्जाम्पल दी है, फॉर एग्जाम्पल ये जेब्रा एंड लायन शेर है. अगर ये जेब्रा किसी ऐसे जगह पर रहते हो जहाँ पर जो है वो लायन की तादाद जो है, लायन या तो उस जगह के पास ना हो मतलब कि दूर हो, तो होता क्या है कि जेब्रा की तादाद में बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा. इसी तरह अगर इस इलाके से जेब्रा को निकाल दिया जाए और बाकी डियर को निकाल दिया जाए तो यहाँ पर जो प्रोड्यूसर है, ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है प्रोड्यूसर, इनकी तादाद क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी. नेक्स्ट है बायोम. लार्ज रीजनल कम्युनिटी डिटरमाइंड बाय क्लाइमेट, ये कम्युनिटी होती है लेकिन एक बहुत बड़ी कम्युनिटी जिसको कौन डिटरमाइन करता है, क्लाइमेट, वहाँ की आबोहवा पे डिपेंड करता है. मेजर फैक्टर डिटरमाइन अदर ऑर्गेनिज्म आर प्लांट्स, और ज्यादा जो है वो कौन डिटरमाइन करता है किसी कम्युनिटी को, वहाँ भी प्रोड्यूसर डिटरमाइन करता है. उसकी रीजन ये है कि फॉर एग्जाम्पल ये फूड चेन देख रहे हैं, ये ऑर्गेनिज्म वहाँ पर होगी जहाँ पर क्या होगा, स्नेक होगा. स्नेक कहाँ पर होगा, जहाँ पर माउस, और माउस किस चीज को कहेंगे, प्रोड्यूसर को कहेंगे. तो ये प्रोड्यूसर ही है जो कि डिटरमाइन कर दी कि वहाँ पे कौन कौन से जानदार होंगे, क्योंकि जितनी भी जानदार है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिटरमाइन करते हैं किस चीज के ऊपर, प्रोड्यूसर के ऊपर. इसके अलावा सो दे आर, चूंकि जितनी भी कम्युनिटी है वो डिटरमाइन करती है प्रोड्यूसर के ऊपर, इस वजह से कम्युनिटी को जो नाम दिया जाता है वो भी डिपेंड करता है कि वहाँ पे कौन कौन से प्रोड्यूसर है, पौधे कौन से वहाँ पर, ज्यादातर ऐसा ही होता है. इसके अलावा बायोम की कुछ एग्जांपल है, डेजर्ट बायोम है, एक्वाटिक बायोम है या फिर फॉरेस्ट बायोम है. दैट्स द एंड ऑफ लेक्चर. ओके, अल्लाह हाफिज़.